तो दोस्तों मोटो का E22S ये लॉन्च हो गया है और ये कब मिलने वाला है इंडिया के अंदर उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है इसके बारे में बात करेंगे और इस प्राइस में इसका अल्टरनेट क्या कुछ फ़ोन आपको देखने को मिलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको जानने में इंटरेस्ट है तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो जैसे बताया कि मोटो का E22S ये लॉन्च हो गया है, देखने में कैसा है तो प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है और बाकी मोटो के जिस तरीके जी सीरीज के या फिर ई सीरीज के जिस तरीके फ़ोन आपको देखने को मिलते हैं उसी तरह आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है, कुछ अलग आपको देखने को नहीं मिलेगा और सामने तरफ पंच होल वाला डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 6.5 इंच का HD प्लस यानी कि 720p वाला, फुल HD नहीं है 1080p नहीं, HD प्लस वाला यहाँ पे 720p वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। रिफ्रेश की बात करें तो 90 हर्ट्ज का यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है और 400 निट्स तक यहाँ पे पिक ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। अब यहाँ प्रोसेसर के बारे में बात करते हो, मीडिया टेक का हिलियो का जी सीरीज का G37 वाला GPU मिल जाता है और साथ साथ यहाँ पे आपको पावर वीआर का GPU देखने को मिल जाता है। रैम रोम की बात करते हो एक ही वेरियंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, 4GB 64GB वेरियंट में ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे कैमरे के बारे में बात करें, पीछे तरह डुअल कैमरा सेटअप है, जो मेन कैमरा है वो 16MP का है और सेल्फी की बात करें तो यहाँ पे आपको 8MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और क्या कुछ मिल रहा है तो एंड्रॉइड 12 के ऊपर MIUI X मिल रहा है, यानी कि जो मोटो का खुद या फिर बोल सकते हैं कि जो एंड्रॉइड का स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है मोटो की तरफ से वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड्रॉइड 12 के ऊपर ये आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद 4G मिल रहा है, वोल्टी मिल रहा है, साइड माउंटेड वाला यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे 3.5mm जैक भी देखने को मिल जाएगा। बैटरी की बात करते हो 5 mAh का यहाँ पे आपको बैटरी मिलेगा, 10W का चार्जर मिलेगा और टाइप सी पोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब आखिर में कलर प्राइस कहाँ पे मिलेगा, कब से मिलेगा, इन सब के बारे में बात करें, दो कलर में आपको ये देखने को मिल जाएगा, ब्लैक एंड ब्लू कलर में ये देखने को आपको मिल जाएगा। प्राइस की बात करो 9000 rupees इसका प्राइस रखा गया है। कहाँ पे मिलेगा तो ये आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने को मिल जाएगा 22 अक्टूबर से। अब बात करते हैं कि इसका अल्टरनेट में आपको क्या देखने को मिल जाता है, ऐसे तो कंपेरिजन वीडियो बनाता है लेकिन बहुत सारे फोन जो है इस प्राइस में आते हैं और इससे अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ भी आते हैं, तो इसीलिए आखिर में बता दे रहा हूँ कि अगर आप इस प्राइस में फोन ढूंढ रहे हैं और ये तो लॉन्च होने वाला है 22 तारीख को, यानी लॉन्च तो हो गया 22 तारीख को मिलने वाला है, तो इसके साथ साथ और कौन कौन से फोन आप देख सकते हैं वो भी आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो पहला जो फोन है वो है रेडमी का तरफ से, रेडमी का 10 आता है, रेडमी 10 वो मार्च के महीने में लॉन्च हुआ था, वो 680 प्रोसेसर के साथ आता है, क्वालकॉम का 680 प्रोसेसर के साथ आता है, तो इससे बेटर प्रोसेसर वो आपको देखने को मिल जाता है तो उसके ऊपर भी आप कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद रियलमी की तरफ से 2-3 फोन आते हैं, जैसे कि रियलमी का C33 हो गया, वो भी आप कंसीडर कर सकते हैं, वो टाइगर सीरीज का प्रोसेसर यानी कि जो यूनिसॉक का T612 वाला प्रोसेसर आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है, उसको भी कंसीडर कर सकते हैं, सेम प्राइस में आपको वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद आता है नारुजो सीरीज का, रियलमी का जो नारुजो सीरीज आता है, तो रियलमी नारुजो 50 तो वो आप कंसीडर कर सकते हैं, उसमें भी आपको G96 जी हाँ मीडिया टेक का, इसमें से और भी अच्छा प्रोसेसर आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है G96 प्रोसेसर, वो भी आपको वही सेम 10,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है, तो वो भी आप देख सकते हो। उसके साथ साथ वही रियलमी का नारुजो का 50A करके है, शायद से 50A है, वो भी आप देख सकते हैं, नारुजो का 50 एंड 50A दोनों आपको 10,000 के अंदर अभी ऑफर में मिल रहे हैं और तो उसको भी आप कंसीडर कर सकते हो, उसमें भी आपको बहुत ही अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है। और इसको छोड़ के बाकी जितने फोन बताया सब में आपको UFS 2.2 भी देखने को मिल, तो ये कुछ फोन थे जो इसके अल्टरनेट में आप देख सकते हैं और इस प्राइस ब्रैकेट में यानी कि 10,000 से नीचे 8 से लेकर 10,000 के अंदर अगर आप फोन ढूंढ रहे हैं तो ये सब फोन को भी आप कंसीडर कर सकते, चेकआउट कर सकते हैं, अच्छे फोन है, इसके साथ साथ ये तो ठीक ठाक फोन बोल सकते हो लेकिन इससे बेटर फोन जो है बाकी 3 जो बता दिया वो इससे भी बेटर फोन आपको देखने को मिल जाते हैं। और एक फोन बच गया था जो कि मोटोरोला की तरफ से थोड़ा पुराना हो गया है लेकिन मोटोरोला का E40 वो चैनल के ऊपर उसका रिव्यू भी है, आप चाहे तो देख सकते हैं, इससे बेटर प्रोसेसर उसमें भी आपको मिल जाता है, टाइगर सीरीज का यूनिसॉक का 700 वाला प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और आपको बता दिया कि ये फोन कैसा है और इसके साथ साथ बाकी फोन भी बता दिया इस रेंज में क्या कुछ आप चेकआउट कर सकते हैं, अगर आप खरीदने वाले हैं तो इन सब फोन को भी आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे कर देना, लाल करवा के ग्रे कर देना, और ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेशन लगा है अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम है सुमन, आप देखिए डेपेंडेंट यूट्यूब चैनल, मैं मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।